आणि औषधासाठी उपयोग देतात. अरे आपले नागरिक बोलतात आम्हाला औषध मिळत नाही, म्हणजे काय फायदा आहे? आम्हाला असं वाटतं ना काय परिस्थिती आहे. आरोग्य करोड रुपये औषधासाठी देतात आणि एक तरफ नागरिक बोलतात आम्हाला औषध मिळत नाही, तो म्हणजे खरं परिस्थिती काय? अरे तुम्ही बोलता मी आम्ही डिमांड करतो आणि हे प्रॉब्लेम मॅडम दिवा प्रभाग समिती अंतर्गत पण आरोग्याला 27 मध्ये कमीत कमी 19 आरोग्य केंद्र ना हे डिमांड आहे. सामने ही आपके सामने अपना दवाखाना है, वो अपना दवाखाना देख लीजिए कैसा बन पड़ा, आपको 2 मिनट में दिखा. तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जब नागरिकों का हम मुख्य मेन जो उनका अधिकार है वो ही नहीं दे पा रहे, तो थाने महानगर पालिका की परिस्थिति के ऊपर आज प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है. और उसका कारण है, एक ही में कारण है, प्रशासन. प्रशासन के ऊपर अब हमारी जो बोलते ना लगाम वो नहीं रही है. कहीं कहीं प्रशासन अपने ऐसी कैबिनों में मस्त है. मैं ये मानता हूँ कि कई अधिकारी अपने काम करने के कारण कोविड पॉजिटिव है, लेकिन आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि आरोग्य जैसे विभाग को अगर हम इस कोविड कार्यकाल में दवाएं नहीं देंगे, नॉट इन स्टॉक कहेंगे, तो फिर हम मूल सुविधा के ऊपर क्या प्रश्न करेंगे? मुझे इसके ऊपर कोई जवाब नहीं. इस मुख्य जो इमरजेंसी डिमांड है उसके कारण जरूर कमिश्नर साहब से प्रश्न पूछना चाहिए. और मैं आपको कल्या कर रहा हूँ, ये काम थाने महानगर पालिका के प्रशासन का है. प्रशासन अपनी भूमिका सही से निभाए तो नागरिक कभी परेशान नहीं रहे. और ये सोच लेंगे कि मैं प्रशासन की आवाज़ उठाना बंद कर दूंगा, ऐसा असंभव है. मेरा कर्तव्य है जहाँ जहाँ थाने महानगर पालिका नागरिकों को परेशान करेगा, थानेकर को परेशान करेगा, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी और आनंद पराचेपी के मार्गदर्शन में उन जगहों पर जाएंगे, निवारण करेंगे और अपना हक सभागृह से लेके रास्ते से लेके आंदोलन के जरिए पे थानेकारों का हक लेके ही रहे. सर एमएम